हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ मैं आपके लिए ई कॉमर्स बिजनेस जुड़ी जानकारी लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मीशो के अंदर सिंगल लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए कोई देरी न करते वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना मीशो अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो मैं अपना मीशो अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा मीशो अकाउंट है, तो आपको होम पेज पर आना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कैटलॉग अपलोड, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड अ सिंगल कैटलॉग लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको सिंपल अपनी यहाँ पे कैटेगरी सर्च करनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी यहाँ पर आप सर्च कर लें। तो मैं अपने स्वेट शर्ट लिख लेता हूँ। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर ना आए तो आप नीचे जो काफ़ी सारी कैटेगरी है उसमें आप ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैन फैशन है, अब इसमें मैन फैशन में मेरी स्वेट शर्ट की लिस्टिंग होगी, तो यहाँ पर वेस्टर्न वेयर एंड टॉप वेयर। अब आप देखेंगे यहाँ पर टी शर्ट वगैरह सारी चीज़ आ गई, तो ये लिखी स्वेट शर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट इमेज अपनी ऐड करनी है यहाँ से, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो पिक्स है उस वाले फोल्डर में चले जाना है। जैसे मेरे को इसकी लिस्टिंग करनी है ये वाले हुड्स की, तो इसकी मैं अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद कर देंगे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा टैब खुल चुका है लिस्टिंग का। तो इसके बाद अगर आपको अपनी प्रोडक्ट्स की और इमेज अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से ऐड इमेज करके और प्रोडक्ट्स की अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपनी 3-4 इमेज और सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली ओपन पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे हमारी यहाँ पर 4 इमेज आ चुकी हैं। इसके बाद हमें इसकी डिटेल्स बनी, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बननी है। जैसे यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का मीशो प्राइस रख सकते हैं, जितनी आपका कॉस्ट अपनी चाहिए। उसके बाद MRP भर देंगे, मैं इसकी 999 रख देता हूँ। फिर आपको अपना GST रखना है, आपके प्रोडक्ट पर जितना भी GST लगता होगा। इस टाइम कॉटन पे 5% लगता है, मतलब कि क्लॉथिंग पे, तो वो अपना मैंने 5% रख दिया है। उसके बाद अपना SSN कोड रख देना है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग SSN कोड होता है, मेरा ये है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर आपको अपने प्रोडक्ट का वेट डालना होगा, आपका प्रोडक्ट कितना पैकिंग के बाद कितना वेट हो जाता है, तो मेरा 200 ग्राम का होता है। उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट का रीज़न डालना होगा, मतलब कि कहाँ पर बना हुआ ये, इंडिया का है तो मैंने इंडिया का डाल दिया है। फिर आपको अपने प्रोडक्ट का स्टाइल कोड, मतलब कि आपको यूनिक नेम से डालना है, जो आपको पता चल जाए कि जब ऑर्डर आए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो यहाँ पे मैं अपना यूनिक सा नेम डाल देता हूँ, लिस्टिंग ID जिसे कहते हैं, और प्रोडक्ट ID भी सही कहते हैं। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर अपना यूनिक नेम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको प्रोडक्ट नेम का एक टैब है, उसके अंदर भी आपको सेम टू सेम ये लिख देना है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ प्योर कॉटन टी-शर्ट्स। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और आप देखेंगे यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे MLXL मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास 3 साइज़ है इस प्रोडक्ट के। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे साइज़ चार्ट खुल चुका है, आपको साइज़ चार्ट भरना होगा। अगर आपका साइज़ चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है तो आपके ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना साइज चार्ट भर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री लिखा हुआ है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, आपके पास कितना स्टॉक है इस पर्टिकुलर साइज़ का। अब मेरे पास M साइज़ का 50 है, L साइज़ का भी 50 स्टॉक है, और XL का भी 50 है, तो मैं यहाँ पे अपना 50% डाल देता हूँ। आपके पास जितना उतना डाल सकते हैं। उसके बाद SKU ID लिखनी है, SKU ID जो हमने प्रोडक्ट ID ऊपर लिखी थी उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। बट यहाँ पर क्या करना होगा, हमें डैश लगा के उस साइज़ को इंक्लूड करना होगा इसके अंदर। अब जैसे मैंने उसमें M साइज़ कर दिया, अब यहाँ पर फिर दोबारा डैश देके L साइज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे M था और यहाँ पे L था। फिर आपको लास्ट वाले में फिर दोबारा भरना होगा, फिर उसका डैश लगा के XL साइज़ लिख देना है। सिंपली बस इतना ही करना है। फिर उसके बाद आपको बस्ट साइज़ देना, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर आपने ये नहीं डाला तो आपकी लिस्टिंग पास होगी, मतलब सबमिट होगी ही नहीं। फिर उसके बाद आपको L साइज़ का और भर देता हूँ मैं, फिर XL का। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करें तो आप उसका वेट और साइज़ वगैरह बिल्कुल सही दें, जिससे कि आपका कस्टमर रिटर्न रिड्यूस हो पाए। वरना कई सेलर ऐसा करते कि साइज सेट अपलोड ही नहीं करते, फिर उनकी कस्टमर रिटर्न कुछ ज़्यादा आने लग जाती है, जिससे उनका नुकसान होता है। अब मैंने ये वाले साइज़ भर दिए। अब एक चेस्ट साइज़ और रह रहा है इसका, मेरी टी शर्ट का चेस्ट साइज़ है 38-40-42, M का 38, L का 40 और XL का 42। बस मैं ये भरती, फिर चलते हम नीचे। नीचे थोड़ी सी और डिटेल्स हैं, वो भी भरनी होती है सारी। अब मैंने साइज चार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखेंगे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ कलर, तो कलर में जो हमारे जो टी शर्ट का कलर है वही डालना है सेम टू सेम। अगर आप गलत डाल दोगे तो लिस्टिंग पास नहीं होगी। मेरी मस्टर्ड कलर की हुडी थी तो मैंने मस्टर्ड डाल दिया। उसके बाद अपना फैब्रिक डालना है, कॉटन ब्लेंड मैंने डाल दिया।
अभी यहाँ पर लिखा है फिट एंड शेप, इसका मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। अब मेरा पुलओवर है क्योंकि ऊपर से उतारने वाला हुड है, तो इसके अंदर पुलओवर डाल देंगे। फिर हमें लेंथ के अंदर डालना होगा रेगुलर, क्योंकि हमारा रेगुलर साइज़ होता है। फिर यहाँ पर पूछा है मल्टी पैक, मतलब कि आपके पैकेट में कितनी चीज़ें जाएगी, तो हमारे पैकेट में एक ही चीज़ जाएगी तो एक कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर पूछा है नेक एंड कॉलर, तो मेरा जो कॉलर है वो राउंड नेक है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल पूछ रहा है, मतलब कि अगर आपका ब्रांड किस प्रोडक्ट किसी ब्रांड का है तो ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न पूछ रहा है, मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट है उस पर पैटर्न कैसा है, तो मेरा सॉलिड है। अगर प्रिंटेड होता तो यहाँ पर आप प्रिंटेड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये पॉकेट पूछ रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट पे कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे नो पॉकेट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रिंट और पैटर्न टाइप, तो यहाँ पर भी हम सॉलिड ही कर देंगे जैसे मैंने ऊपर करा था पैटर्न में। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है स्लीव लेंथ, तो स्लीव लेंथ हमारी रेगुलर है तो हम यहाँ पर रेगुलर ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्लीव स्टाइल में रेगुलर आ जाएगा स्लीव। सरफेस स्टाइलिंग में अगर आपके प्रोडक्ट के सरफेस में अगर कोई भी डिज़ाइन वगैरह, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे नन छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली अगर आपके और वेरिएंट है तो आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करके इसके वेरिएंट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी लिस्टिंग और अच्छी हो जाएगी। मतलब कि अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो उसके और वेरिएंट्स भी देख पाएगा। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट और सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे इसका वेरिएंट है कि ग्रे कलर का, तो यहाँ से मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब उस वाले जो नया जो हमने ऐड करा है, इसकी भी डिटेल ऐसे सेम टू सेम भर देनी है हमें, तो मैं इसको जल्दी जल्दी भर के बता देता हूँ आपको। तो गाइस अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अपने तीनों प्रोडक्ट ऐड कर चुका हूँ। अब आप जब भी अपने प्रोडक्ट ऐड करें तो लास्ट में एक बार चेक जरूर कर ले कि आपने सारी डिटेल चेक सही भरी है कि नहीं भरी, तो मैं वही चेक कर लेता हूँ। फिर इसका बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। साइज सेट हमारी लिस्टिंग में सबसे मेन होता है, अगर आपके साइज सेट ठीक नहीं है तो आपके ऑर्डर आने भी मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर खरीदता है तो सबसे पहले अपना साइज चार्ट जरूर देखता है वो। सब कुछ चेक करने का सिंपली आपको सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करते ही आपकी लिस्टिंग अपलोड हो जाएगी और क्वालिटी चेक के लिए चली जाएगी। यहाँ से फिर आपको सबमिट कर देना है। अब आपको जब ये सबमिट हो जाएगी तो आपको ये शो होने लगेगी कैटलॉग अपलोड्स में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सिंगल अपलोड्स में, अभी लोडिंग हो रही है। तो ये वाली लिस्टिंग आ चुकी है जो मैंने अभी अपलोड करी थी। अब ये आफ्टर 24 आवर्स में या तो पास हो जाएगी या फिर फेल हो जाएगी, अगर कोई डिटेल्स गलत है तो फेल हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।